हातिम एंड द सेवन क्वेश्चंस, हातिम के कथा और सात प्रश्न। प्राचीन अरब प्रायद्वीप के मध्य में हातिम नाम का एक दयालु राजकुमार रहता था, जो अपनी उदारता और बुद्धिमता के लिए प्रसिद्ध था। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, यहाँ तक कि देश के सुदूर कोनों तक भी पहुँच गई। हातिम यमन का शहजादा था। उनसे जुड़ी कई किंवदंतियों में सबसे प्रसिद्ध सात रहस्यमय सवालों के जवाब खोजने की उनकी खोज की कहानी है। एक ऐसी यात्रा जिसने उनकी बुद्धि, साहस और करुणा का परीक्षण किया। खोज की शुरुआत एक शांत शाम, जैसे ही सूरज श्री तेज से नीचे डूबा, एक हताश आदमी हातिम के महल में पहुंचा। उसका नाम मुनीर था, जो एक विनरम व्यापारी था, जिसकी बेटी सुंदर और दयालु राजकुमारी हुसन बानो को नोमान नाम के एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया था। श्राप को हटाने के लिए मुनीर को सात उलझाने वाले सवालों के जवाब की जरूरत थी। अटूट संकल्प के साथ हातिम न्याय और सहानुभूति की अपनी सहज भावना से प्रेरित होकर इन उत्तरों को खोजने के लिए खतरनाक यात्रा करने के लिए सहमत हो गया। पहला प्रश्न, रेगिस्तान में आवाज। पहला प्रश्न हातिम को विशाल और उजाड़ रेगिस्तान में ले गया, जहां उसे एक रहस्यमय आवाज के स्रोत की खोज करनी थी, जो हर रात टिल्लों से गूंजती थी। सितारों द्वारा निर्देशित हातिम ने कठोर परिदृश्य को पार किया, जब तक उसे अब्दुल्ला नाम के एक अकेले बूढ़े व्यक्ति का सामना नहीं करना पड़ा। अब्दुल्ला ने खुलासा किया कि वह आवाज एक शापित कवि की थी, जो कविता के प्रति अपने प्रेम की उपेक्षा के कारण हमेशा के लिए रेगिस्तान में भटकने के लिए अभिशप्त था। हातिम ने अपने दयालु हृदय से एक कविता लिखी, जिसने कवि की आत्मा को छू लिया। आइए अब हम आपको हातिम की वो कविता सुनाते हैं। जगमगाते शब्दों में स्वर्णिम भाव लाया हूँ, दुख भरे मन को प्रेम का सागर दिखाया हूँ। श्राप के अंधेरों से तुमको दूर करूँगा मैं, सपनों की ऊंचाइयों पर तुम्हें अब ले जाऊंगा मैं। कण कण में बसते हैं खुशियों के राग प्यारे, तुम्हारे मन में भर दूं हर्षित पल के तारे। हर पीड़ा की परछाई अब हो जाए विलीन, पंख फैलाओ आशा के हो नई सृजन में दीन। शब्दों का ये जादू हर दुख को हर लेगा, तुम्हारे हृदय में प्रेम का दीप जलाएगा। अब ना रहे कोई बाधा ना ही कोई घुटन, सृजन की हर धारा में वही अनंत जीवन। जीवन की इस मधुर गीत को गाओ तुम, हर पल को नए रंगों में सजाओ तुम। श्राप का अंधेरा अब सदा के लिए मिट जाए, तुम्हारे शब्दों में सजी हर कविता खिलखिलाए। इस कविता ने कवि की आत्मा को छू लिया, अभिशाप को तोड़ दिया और स्तुति आवाज को शांत कर दिया। इस प्रकार पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। दूसरा प्रश्न, अप्राप्य फल। दूसरे प्रश्न के लिए हातिम को एक दुर्लभ फल ढूंढना था, जो एक दुर्गम चट्टान के ऊपर एक पेड़ पर उगता था। बिना किसी डर के हातिम अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और जल्द ही उसे पेड़ मिल गया। कठिन ऊंचाई के बावजूद हातिम का दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। उसने पक्षियों के झुंड से दोस्ती की और उनकी सहायता से वह फल तोड़ने में कामयाब रहा। रहस्य यह समझने में छिपा है कि सच्ची ताकत एकता और सहयोग में निहित है। हातिम ने इस प्रकार दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया था। तीसरा प्रश्न, हंसती हुई नदी। तीसरे प्रश्न के लिए हातिम को एक नदी के लगातार हंसी के पीछे का कारण खोजना था। वह नदी तक पहुंचने तक घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ों से गुजरता रहा। वहां उनकी मुलाकात एक जल अप्सरा से हुई, जिसने बताया कि नदी इसलिए हंसती थी क्योंकि वह जीवन को बनाए रखने में खुश थी। यह प्रकृति के आनंद और प्रचुरता का प्रकटीकरण था। प्रकृति के सामंजस्य और संतुलन के बारे में हातिम के अंतर्दृष्टि ने तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया। चौथा प्रश्न, उदासी पर्वत। चौथा प्रश्न हातिम को एक ऐसे पहाड़ पर ले गया, जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं आती थी, जो शाश्वत अंधकार में डूबा हुआ था। हातिम बर्फीले तापमान और तेज हवाओं को सहते हुए पहाड़ पर चढ़ गया। शिखर पर उनकी मुलाकात एक साधु से हुई, जिसने बताया कि पहाड़ की उदासी उसके अलगाव से उपजी है। हातिम ने साधु को नीचे आने और लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा करने के लिए मना लिया। जैसे ही साधु नीचे उतरा, पहाड़ खुशी से चमकने लगा और पहली बार सूरज की रोशनी ने निराशा को चीर दिया। हातिम ने साधु के लिए साहचर्या
और उद्देश्य लाकर चौथे प्रश्न का उत्तर दिया था। पांचवा प्रश्न, अदृश्य महल। पांचवें प्रश्न ने हातिम को एक अदृश्य महल की खोज करने के लिए प्रेरित किया। प्राचीन मानचित्रों और स्थानीय किंवदंतियों से प्रेरित होकर हातिम ने एक रहस्यमय जंगल तक पहुंचने तक कई देशों की यात्रा की। वहां उनकी मुलाकात एक बुद्धिमान महिला से हुई, जिसने बताया कि महल को केवल शुद्ध हृदय वाले और नेक इरादे वाले लोग ही देख सकते हैं। हातिम के निस्वार्थ स्वभाव ने उसे महल देखने की अनुमति दी और वह ज्ञान और ज्ञान का खजाना खोजने के लिए उसमें प्रवेश कर जाता है। इस अंतर्दृष्टि ने पांचवें प्रश्न का उत्तर दिया। छठा प्रश्न, अमर वृक्ष। छठे प्रश्न के लिए हातिम को एक ऐसा पेड़ ढूंढना था जो कभी ना मरे। महीनों की खोज के बाद उसने एक छिपी हुई घाटी में पेड़ की खोज की। इस पेड़ की देखभाल एक प्राचीन अभिभावक द्वारा की जाती थी, जिसने बताया कि पेड़ की अमरता इसकी गहरी जड़ों और बदलते मौसम के अनुकूल होने की इसकी क्षमता से आती है। हातिम ने समझा कि सच्ची अमरता लचीलेपन और अनुकूलनशीलता में निहित है। इस ज्ञान अनुभूति ने छठे प्रश्न का उत्तर दे दिया। सातवां प्रश्न, क्या तकदीर को बदला जा सकता है। हातिम को बताया जाता है कि नुमान जादूगर के हाथों हातिम की मृत्यु लिखी हुई है। हातिम के पास दो चॉइस होती है, या तो वो सातवें प्रश्न का जवाब भी ढूंढ सकता है और मृत्यु उसे मिल जाएगी, लेकिन अगर हातिम चाहे तो वो वापस भी लौट सकता है और जीवित बच सकता है। लेकिन हातिम सातवें प्रश्न का जवाब ढूंढता है और वो जानता है कि अगर वो वापस भी लौटा तो मृत्यु उसके पीछे आ ही जाएगी, क्योंकि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। इसलिए हातिम सातवें प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है अपने मिशन पर और नुमान जादूगर का सामना करता है, और आखिर में अपनी अच्छाई और नेकी की ताकत के कारण वो अपनी तकदीर को बदल देता है और नुमान जादूगर को हरा देता है। उसकी अपनी अच्छाई और नेकी की ताकत के साथ वो नुमान जादूगर को खत्म कर देता है और हुसन बानो को नुमान जादूगर के श्राप से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह हातिम ने सातवें प्रश्न का हल निकाला था। सातवें प्रश्न का जवाब हातिम ने दे दिया था कि अपनी तकदीर को अच्छाई और नेकी की ताकत के साथ बदला जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे ऐसे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर कर दो। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके इसकी बेल आइकन भी दबा लो, ताकि आप तक हमारी आने वाली वीडियोस आसानी से पहुंच जाए और आप उनको भी आसानी से देख सकें। सो थैंक यू।